ट्रेन में आग लग गई यार, S2 बोगी में आग लग गई। इंडियन रेलवे सिटीजन की इतनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। हाय गाइस, यार चलो लड़ाई होगी, पीछे लड़ाई होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे सारे एकदम बढ़िया हो गए? मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो जैसे कि आपको लास्ट व्लॉग में तो पता चल ही गया होगा कि हम जा रहे हैं गांव, और आज से हमारा बिहार सीरीज गांव जाने के व्लॉग आ गया ऑटो दो, गांव जाने का सीन हो गया है सेट। तो या गाइस निकलते हैं आज गाँव के लिए। यहाँ कोई तो है जो बहुत ज़्यादा रुक रहा है। ले यार, मम्मी रोने लग गई। क्या हुआ? मम्मी को रोने का एक बस बहाना चाहिए। नहीं, गांव से आते वक्त रोकेंगी रोएंगी कि गांव का घर छोड़ के आना पड़ रहा है, यहाँ पे बुग्गू को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो यार गाइस, फिलहाल निकलते हैं, नीचे आ गए हमारे ऑटो, मेट्रो स्टेशन तक जाना है, लेट्स गो। तो गाइस घर से निकलते ही बाल खराब हो गए मेरे, क्या बात है। तो यार गाइस घर से निकलते कुछ दूर चल के मेट्रो पकड़ के फिलहाल पहुँचे हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट, और चलते हैं यार रेलवे स्टेशन। बड़े दिनों बाद जा रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं रेलवे स्टेशन गया था जब कश्मीर गया था। इधर मेरा पूरा पंटर लोग क्या बनता है वो अच्छी। चलते हैं गाइस, लेट्स गो। हेलो गाइस, मजा आ रहा है ट्रेन में बैठ के। हाँ, तो बेसिकली लास्ट अपना इधर क्या कहते हैं, जो आपने लास्ट क्लिप देखी होगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, उसके बाद हम चढ़े, सामान वामान रखा, थोड़ा सा सेटल हुए। मैं सोया नहीं था, 5 बजे सो के 9 बजे उठ गया था। तो मैं ऊपर जाके इधर ये सीट भी अपनी है, यहाँ जाके मैं सो गया था। अभी उठे हैं तो अभी भूख सी लग रही थी, मैगी ऑर्डर करी, सब्जी डाल रखी थी मैगी में, ये मैगी मज़ेदार नहीं है भाई, सब्जी वाली बेकार लगती है मेरे को, बिना सब्जी की प्लेन दे दो ठीक है। तो अभी उठे हैं, देखते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया सा खाने को आता है कि नहीं। आप चाय आए फिलहाल, तो चाय की बहुत ज़्यादा नीड है, शाम का टाइम भी हो गया। बाहर के नज़ारे दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। फिलहाल तो हम अभी यूपी में, सुबह पहुँचेंगे बिहार। 9:30 पैर बाहर लटका के सो रहा था, यहाँ से कोई तेजी में जा रहा था। चाय वाला था, सुकरा सा था, उसको मैं बड़बड़ साइड कर रही हूँ, बड़बड़ साइड कर रही हूँ, मेरे मुंह के ऊपर एकदम ऐसे झुक का यहाँ रखा है, ये धकेल के गया दिमाग कर रहा हूँ, मुंह से साइड कर रहा हूँ। इतना जगह छोड़ कर मेरे मुंह पर झुक गया। तू किसको मारा थे? तू किसको मारा? अरे रब के काज में मारा नहीं। यही अपडेट है, चाय नाश्ता वीश्ता करते हैं, आपसे भी बात करेंगे। आ गया गाइस हमारा साथी, नहीं अभी कुछ नहीं, चाय चाय बस पानी दे दियो, चाय दे दो, चाय दी खाली रहेगी गंगल, ये चाय आप ले लो कोई नहीं। अरे मैं नहीं पीना, मैं चाय नहीं पीता। पीती नहीं हो क्या? बात कर, बाहर रहने पे भाई दूध नहीं डाले यार। चलो चाय पहले चाय पी के देखिए। आपका आवाज अंकल उसकी तरह है, कोलकाता में वो नहीं है बेचता एक क्लब कचौरी, 50 रुपये का 30 पकड़ा देना, ये लो। हाँ, तो बढ़िया अंकल जाए। गाइस इंडियन रेलवे की चाय आफ्टर सो लॉन्ग। तो गाइस आफ्टर सो लॉन्ग मैं ऐसा ठंडा पानी बोतल आफ्टर सो लॉन्ग एकदम, मतलब जो प्रॉपर IRCTC से फूड होता है ना वो खा रहा हूँ मैं। ये देखो, जो नहीं गए आज तक उनको नहीं पता, आई डोंट नो, जो इतने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने पहले भी खाया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जिन्होंने नहीं खाया तो उनको दिखा देता हूँ। ये मिलती है हमें चावल, जिसको ये कहते हैं पुलाव, साथ में एक मटर पनीर की सब्ज़ी है, ये आलू भुजिया जो मैं घर पर भी नहीं खाता, दाल, और ये रायता है जिसमें रायता के लिए नमक तेज़ है, पानी मिला दो, साथ में रोटी। तो फिलहाल तुम्हारे घर का खाना भी रखा था, भिंडी भुजिया और परांठे, पहले तो हमने वो खाया। घर का खाना इज़ ऑलवेज बेस्ट, तो पहले वो खाया, अब ये खाएंगे इंडियन रेलवेज फूड। दादा कह रही है बेटर हो गया पहले से, बट देखते हैं दाल टेस्ट करते हैं कैसा है। मटर पनीर तो कर लिया मैंने, अच्छा है दाल में, सही है, ठीक है। और ये एक प्लेट है 180 की, साथ में दी बेस्ट। तो अभी खा पी के लेटे हैं अपने बर्थ पे, और खाना बहुत बेकार था, मैं बहुत दिन तक खाना था,
IRCTC मतलब पहले भी बेकार था, पहले से थोड़ा बेटर है बट स्टिल नॉट गुड। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, तुम 180 में इतना सब दे रहे हो, 180 में दो ही आइटम दो लेकिन मस्त दो, मज़ेदार है कि नहीं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए भी। IRCTC काम करो, सीट बर्थ बहुत गंदे हैं, मतलब गंदे इन सेंस कि पुराने हैं, थोड़ा इनको अब वो चाहिए, वापस इसको रेनोवेट करो, रेनोवेशन चाहिए इस ट्रेन को, काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा वो है। ठीक है दिक्कत नहीं, बोल के चले गए, ट्रेन में आग लगा है, नींद आएगा अब तो वही बात होगी ना, तो उसको भी ये लोग आग बोल रहे हैं। हाँ सही कह रही है गाइस, पता नहीं क्यों इंडियन रेलवे सिटीजन्स कितनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, आए दिन न्यूज़ आती है ये ट्रेन पलटा वो ट्रेन पलटा, वेस्ट बंगाल पंजाब पता नहीं कहाँ कहाँ, अब भी हम लेटे हैं और हमें न्यूज़ मिली कि हमारा जो है बोगी है B2 और S1 बढ़ता बहुत आगे लास्ट में, स्लीपर S2 बोगी में आग लग गई हमारी ट्रेन में भाई साहब, मतलब अभी ट्रेन पता नहीं कहाँ ऑल ऑफ सडन बीच में रुकी हुई है, AC तो ऑन किया है, कह रहे संभल गया पता नहीं क्या आग लगी है, दिस शिफ्ट में जगते हैं क्या बोलती है, अभी से सुबह 6 बजे तक मैं सोता हूँ, उसके बाद तू जो सो जाइयो। पंद्रह मिनट में पहुँच रहे हैं, उसके लिए भी तुम्हें ऐसा स्टोन पेपर तो गाइस बिहार ना अलग दिखता है, अलग ही, मतलब UP से तो मुँह क्या है, आपने लास्ट ने मैट शॉट में देखा होगा, ये देखो ये बिहार है भाई, ऐसी मिलारी बवासीर है। आज का कंटेंट मैं दूंगी, ये देखो बिहार की ब्यूटी, ये देखो बिहार की ब्यूटी। लास्ट में दरभंगा स्टेशन आया था, इतना डेवलप था नहीं, अब जो एस्केलेटर पर एस्केलेटर लग गया भाई साहब, बीच में मैं जब भी गांव आया हूँ तो गाड़ी से ही आया हूँ बाय रोड, तो ट्रेन का इतना मेरे को याद कुछ है नहीं, बाकी डेवलपमेंट तो हुई है, नहीं हुई है, साफ़ सुथरा भी है, पहले साफ सुथरा भी है और एस्केलेटर वगैरह लग गया यार, देखो बढ़िया उधर देखो, और एक वो गाँव की खुशबू फाइनली बड़े दिनों बाद। हाँ तो गाइस अपना हम बढ़िया निकल गए प्लेटफॉर्म से, बेसिकली स्टेशन से सारा सामान वामान लेके गाड़ी में बैठ गए, अब निकल रहे हैं अपने घर की ओर। क्या नाम है भैया आपका? राकेश भैया। थोड़े ऐसा चुप चुप रहते हैं बट कोई बात नहीं, हमारे साथ घर जाते जाते बोलने लग जाएंगे, और गाड़ी वाड़ी का प्रबंध जो करवाया है हमारे द वन एंड ओनली, निक नेम नहीं बोलूँगा उनका, ऑफिशियल नेम बोलूँगा, अमित भाई जी ने करवाया है दर, मतलब अगर यू आर ऑन द लैंड ऑफ बिहार एंड यू नीड समथिंग जस्ट कॉल हिम, कहीं से भी अरेंज करना होगा कुछ भी होगा ही विल अरेंज इट। मतलब मैंने कहा था ना आपको कि US वालों को सामान बिन लादेन का एड्रेस भी उन्हें नहीं दिया था, तो वही वाला बात, ही गॉट सम गुड कनेक्शंस एंड यू नो पावरफुल, ही इज अ सच अ पावरफुल मैन। लड़ाई होगी पीछे, लड़ाई हो गया। वेलकम टू बिहार, उनसे भी आपसे मिलाएंगे आगे इस डायरी में, तो वो जो कैरेक्टर अभी अनलॉक्ड हुए हैं ढंग से अनलॉक हुए नहीं है बेसिकली, वो अनलॉक होंगे इन फ्यूचर। गाइस आपको दिखाऊं दरभंगा का सबसे बड़ा पोखर, पोखर बोले तो तालाब, ये देखो कितनी बड़ी झील है, अब आपको बाहर से व्यू देखना है, यहाँ से थ्रू अराउंड पूरा यहाँ ऐसे पीछे तक बहुत बड़ा पोखर है, मतलब पोखर कह रहा हूँ मैं, मतलब समझ जाना यार पोखर मतलब तालाब, यहाँ आके पॉन्ड, थोड़ा लैंग्वेज बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, जो एयर क्वालिटी अंदर जाती है ना तो लैंग्वेज शिफ्ट हो जाता है अपने आप, बहुत बड़ा है बहुत बड़ा। ये भी शॉट्स आते हैं अगर छठ पूजा के टाइम का, अगर बिहार का कुछ डॉक्यूमेंट्री चल रहा है ना तो इसका एक आध शॉट होगा, ये तो घाट वाट बना रखा है प्रॉपर इधर सामने, बहुत प्यारा घाट बना रखा है गाइस। ये जो आप देख रहे हो ना पत्ते पत्ते से, ये पता है क्या, आप जो गाँव में वहाँ पे दिल्ली में ना खाते हो गए फॉक्स नट, बेसिकली मखाना जिसको कहते हैं, उसकी खेती हो रही थी, ये पीछे पानी के ऊपर जो ऐसा पत्ता पत्ता आपको दिख रहा होगा, मैं पॉज करके जूम करूँ आप देख लेना, और कहीं ऐसे आस पड़ोस में ऐसा मेरे घर के आस पड़ोस में अगर हुआ होगा तो मैं आपको वहाँ डिटेलिंग में दिखा दूँगा, तो मखाने की खेती ऐसी होती है, मतलब तालाब होता है उसके ऊपर कांटे का पत्ता होता है, उसके नीचे ऐसा एकदम गुच्छा टाइप होता है मखाने का, फिर वो तोड़ के लाना पड़ता है, फिर उसको रोस्ट करते हैं, फिर उसको ऐसा फोड़ते हैं तो मखाना बनता है। गाइज यही वो रिचुअल है जो आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें हमें शामिल होना था, जो मामा भी कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि स्क्रीन पे क्या हो रहा है, तो दादा के अवशेष लेके जाने के बाद जो राख बची है उसको ऐसे ढक दिया जाता है और उसके ऊपर लगाया जाता है एक तुलसी का पेड़, तो दैट्स हाउ इंडिया इज डाइवर्स फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस,
कल्चर टू कल्चर। गाइस हम दिल्ली से आ तो जाते हैं, दिल्ली से आने के बाद जो हमारे यहाँ मरम्मत होती है, देखो आने में मेरे को बड़ा मन करता आने का, इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द रीज़न मेरा आने का मन नहीं करता, जस्ट बिकॉज ही घर बंद रहता है सालों साल। ये देखो दोनों तरह झाड़ू के भाई साहब लगे हुए, ये शक्तिमान, ये गर्ल्स, ऑल दी गर्ल्स आउट देर, देख लो कितना मेहनती लड़का, ऐसे दोनों हाथ से झाड़ू मारेगा। फिलहाल तो पूरे घर की ऐसे धुलाई वुलाई हुई है, ये देखो तुम्हारा भाई भी लगा हुआ, अभी तुम ऐसी ऐसी देख लो, पर्टिकुलरली तुमको मैं दिखाऊंगा प्रॉपर सारा सब कुछ सेपरेट एक ब्लॉग में, प्रॉपर हाउस टूर दूंगा उसमें, मजा आएगा उसमें आपको। तो गाइस आते ही तुम्हारे भाई ने कर लिया अपना कमरा सेटअप पूरा, और सेटअप पता है कैसा, देखो ये कूलर, हमारा कूलर यहाँ तुम्हारा भाई सोता है विद वेंटन, ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड ताकि हमारा फ़ोन चार्जर सब यहीं पड़ा रहे, और साथ ही साथ मेरा एक पुराना साथी ये यहाँ रहता है ऐसे। तो गाइस फिलहाल तो आपको कल मिलेगा हाउस टूर के लिए, बी रेडी प्रॉपर, बहुत मज़ा आएगा देखना, आपको एक एक चीज़ दिखाऊँगा, मज़ा आएगा आपको कसम से। और आज के ब्लॉग को फिलहाल कर देते हैं हम यहीं पे एंड, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे सेफ, पीस आउट, बाय बाय।